नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आप सबकी तरफ से बाबा श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए काफ़ी कोर्स तथा मैसेजेस आ रहे थे, तो इसके लिए हमने ही यह वीडियो बनाया है। इस वीडियो में 2021 की यात्रा का पूर्ण वर्णन है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, सबसे पहले आप चंडीगढ़ पहुँचें, क्योंकि यदि आप पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या बंगाल से हैं तो चंडीगढ़ आपके रास्ते में ही आएगा। आप चंडीगढ़ शाम 6 से 6:30 तक पहुँच जाएँ। यहाँ पर बस स्टैंड से आपको 8 बजे वाली रिकोंगपियो की बस लेनी है। इस बस का किराया मात्र 650 के आसपास होगा। ये बस आपको सुबह 6 बजे के करीब रामपुर बुशहर उतार देगी। रामपुर बुशहर से आपको टैक्सी भी ले सकते हैं, परंतु मैं आपको बस में जाने की सलाह दूंगा। बस का किराया 40 से 50 रुपये होगा। आपको देवडांग में उतर जाना है, वहाँ पर भोले बाबा के दर्शन करने हैं। करीब से 1 से 2 घंटे बाद देवडांग से ही आपको बागीपुल की बस मिल जाएगी। उस पर बैठ जाएं तथा हसीन वादियों का लुफ्त उठाते हुए आप बागीपुल पहुँचे। बागीपुल जाऊँ से 7 किलोमीटर दूरी पर है। आप बागीपुल से पैदल भी जाऊँ जा सकते हैं तथा आप पिकअप ट्रक भी कर सकते हैं, जिसका किराया 100 से 150 रुपये के बीच होगा। आप जाऊँ पहुँच कर रूम ले लें, रूम आपको 500-600 में मिल जाएगा। बाकी आपके बार्गेनिंग के टैक्ट के ऊपर है, आप इससे सस्ता भी रूम ले सकते हैं। मैंने आपको इसलिए रूम लेने का बोला क्योंकि जाऊँ से आगे पुलिस वाले होंगे, जो कि आपको यात्रा नहीं करने देंगे। इससे बढ़िया आप रूम लें, अपनी थकान दूर करें, अगले दिन सुबह 4 बजे जाऊँ से सिंगाड़ की ओर निकलें, क्योंकि सुबह पुलिस वाले 6 से 6:30 के बीच ड्यूटी पर आते हैं। आप 4 बजे निकलेंगे तो आप 6 से 6:30 बराटी नाला पार कर लेंगे, उसके बाद आपको पुलिस नहीं मिलेगी, आप अपनी यात्रा शुरू कर पाएंगे। यही हमारी मनोकामना है कि आप अपनी यात्रा पूर्ण करें, बाबा श्रीखंड महादेव जी के दर्शन कर। बाकी अगर आप जाऊँ से वापस आने की भी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। अगर किसी भगत को पोर्टल बुक करवाना है तो उसके लिए भी हम नंबर प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।